हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। तो क्या है, डरावना है थोड़ा, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कहता है कि इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इज 10^10 टाइम्स मोर देन 1 डाइमिथाइल एमिनो नेफ्थलीन। ठीक है, सबसे पहला नंबर आप नेफ्थलीन बनाइए इस तरह से। ये नेफ्थलीन बन गया। एमिनो बोला है, इसका मतलब नाइट्रोजन भी होगा। और फिर बेसिकली यहां पर एनएन डाइमिथाइल बोलता तो ज्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन 1 डाइमिथाइल बोला है तो भी चलेगा। इसका मतलब यही है कि यहीं पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, कहता है इन दोनों में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्यों। ठीक है, हाई बेसिक स्ट्रेंथ जो है इसके पीछे मेन रीजन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे बेसिक स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब यह है कि हम लोन पेयर किसी को देना चाहते हैं, किसी को नहीं बल्कि प्रोटॉन को देना चाहते हैं। ठीक है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को एच प्लस को देता है तो वो बेस कहलाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले फर्स्ट कंपाउंड में यहां पर देखिए लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है, और डाई मिथाइल ग्रुप होने के कारण जो है इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, यहां जो लिखा हुआ है SIR, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, SIR हिंड्रेंस, ठीक है, रिपल्सन शुरू हो जाता है, धक्का मुक्की शुरू हो जाता है। मतलब पहले तो मिथाइल ग्रुप के कारण, फिर लोन पेयर भी है उसके बीच में भी। तो अब क्या होने वाला है यहां पर कि यहां पर जब प्रोटोन, अब क्या होगा, दोनों का प्रोटोनेशन कर दीजिए। ठीक है, प्रोटोनेशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे में तो देखिए दोनों में ग्रुप तो सेम ही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो प्रोटोनेशन करने के बाद क्या है, मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह से। Na2 और यहाँ पर भी N और Me2। जब हम इसके साथ प्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रोटोनेशन के बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, जिसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया है। आप यहाँ पर भी प्रोटोनेशन कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले हम क्या देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे कि लोन पेयर कौन देगा। अब हमने क्या किया, लोन पेयर दे दिया, दोनों को प्रोटोन को दे दिया, तो प्रोटोन के साथ जो है दोनों ने बॉन्ड बना लिए। अब जब प्रोटोन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो अब बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको याद हो तो हम क्या बताते थे आपको कि आप क्या कीजिए, एच प्लस को निकाल लीजिए, और एच प्लस को निकालने के बाद एनायन बनाइए और एनायन की स्टेबिलिटी देखिए। ठीक है, यही तो करते थे। तो बेसिक स्ट्रेंथ में जस्ट उल्टा करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें हम प्रोटॉन को रिमूव करते थे, इसमें हम प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि लोन पेयर तो प्रोटॉन को ही जाना है। तो जैसे ही प्रोटॉन को लोन पेयर मिलेगा, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वहां पर 3 नाइट्रोजन जो है, 3 बॉन्ड के बाद जो है चौथा बॉन्ड बना लेगा, बोले तो कैटाइनिक फॉर्म में आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कैटाइनिक फॉर्म में ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, इस कंपाउंड में भी और इस कंपाउंड में। अब इन दोनों में से जिसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर सबसे ज्यादा होगा। समझ गए बात को। तो इन दोनों में देखिए यहां पर कैटायन के बारे में सोचते हैं। देखिए इस कैटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए, इस कैटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए यहां पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि 2 मिथाइल ग्रुप यहां भी लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप क्या करता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हुआ यहाँ पर। मिथाइल ग्रुप के द्वारा इंडक्टिव इफेक्ट होना यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि दोनों में सेम काम हो रहा है, और दोनों में देखिए नीचे में
नेपथलीन भी लगा हुआ है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण इस हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल, ठीक है। और वैसा होने से क्या होता है कि इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में एट्रैक्शन शुरू हो जाता है और वो एट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में होता है। मेरे कहने का मतलब ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें केटाइन को नाइट्रोजन के केटाइन को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बोले तो इस कंपाउंड को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में बात, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी के कारण जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। कब? प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो बनने वाला कैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। उस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कहता इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इज इतना टाइम्स मोर देन इससे, ठीक है। तो रीजन फॉर द हाई बेसिक स्ट्रेंथ इज, है ना, किसके कारण हुआ था ये? तो स्टेरिक SIR के कारण ही। भाई यहां पर क्या हो रहा था, सबसे पहले नंबर दोनों ग्रुप में जो है SIR ही तो जनरेट हो रहे थे, तो उस SIR से बचने के लिए इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो ये जो पूरे कांड हुए इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये SIR है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है।